योर ऑनर, मैं पाठक साहब से बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट यू सर। पता है क्यों सर? क्योंकि आप जो कहते हैं ना, हमें शाह करते हैं। जब ये केस शुरू हुआ था ना सर, तब मैंने तो 10 मिनट में खत्म कर दिया था। पाठक साहब ने रोका था, मुझे कहा था उतावले मत होइए जायसवाल साहब, ये केस लंबा चलेगा। और सच में बहुत लंबा चला है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। लेकिन आज नतीजा आएगा इन 10 मिनट सर, केस ओवर, आई प्रॉमिस यू। पता है क्यों योर ऑनर? पिछली डेट में पाठक साहब ने वो पैरों के निशान जो दिखाए थे और कहा था कि ये जो पैरों के निशान है वो जेल में भी पाए गए और मंदिर के पीछे भी पाए गए थे और वो असली है। ही इज राइट। वो तो सिर्फ पैरों के निशान लाए थे योर ऑनर। मैं वो शख्स को, जीता जागता शख्स यहाँ पे पेश करने वाला हूँ जिसके वो पैरों के निशान है। अगर योर ऑनर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। थैंक यू। Order, silence in the court. Your Honor, यही है वो आदमी, यही है वो आदमी जो अश्वत्थामा बनकर लोगों में दहशत फैलाता आया है। और पाठक साहब ने जो फुटप्रिंट यहाँ पे पेश किए थे वो इसी आदमी के थे। यही जेल में पाए गए थे, मंदिर के अंदर पाए गए थे और मंदिर के पीछे भी पाए गए थे। और आपको तो पता है सर, मैं यूं ही कुछ कहता ही नहीं हूँ। तो इस बात को प्रूव करने के लिए योर ऑनर, मैंने जो पाठक साहब ने जो फुटप्रिंट दिखाए थे उसी का एक मोल्ड बनवाया, उसी साइज का। और अगर इस आदमी के जो पैर है वो मोल्ड में फिट हो जाते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि मैं सही हूँ, पाठक साहब गलत है। और ये भी प्रूव हो जाएगा कि रोहन के मर्डर के पीछे इन्हीं का हाथ है। और पाठक साहब, आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी, केस खत्म हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, आप हार जाएंगे। योर ऑनर, विथ योर ड्यू परमिशन, क्या मैं वो मोल्ड पे इनके पैर फिट करके देख सकता हूँ? इजाजत है। थैंक यू। Perfect match. Yes. हो गया साबित योर ऑनर, ये मोल्ड में इसके पैर फिट होते हैं, इससे यह साबित होता है कि वो पैरों के निशान इसी के थे। पाठक साहब, देखा आपने? I proved it. यही वो आदमी है जो अश्वत्थामा बनकर। अरे यार चुप हो जाओ तुम लोग यार, एक तो पहली बार केस जीतने जा रहा हूँ यार, शांति हो, जीतूंगा उसके बाद चिल्लाना। योर ऑनर, यही वो आदमी है जो अश्वत्थामा बनकर घूम रहा था, दहशत फैला रहा था, इसी ने रोहन का खून किया। मैं इस बंदे को यहाँ पे लेके भी आया, पैरों के निशान साबित भी कर दिए, अब आप कुछ बोलिए। भूषण जी बोलिए, आपसे बोल रहा हूं मैं, बोलती क्यों बंद हो गए? बोलिए भूषण जी। हमारा बेटा है ये, हमारा बेटा है भीमा। हमने सारी जिंदगी इसे दुनिया की नजरों से छिपा के रखा। जब ये पैदा हुआ था तो
साधारण बच्चों से अलग था। डॉक्टर ने कहा कि इसे एक असाधारण बीमारी है, इसलिए इसका आकार बड़ा हो गया है, जो बहुत कम लोगों को होता है। मेरा बेटा जब गांव में निकलता था तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे, बुरा भला कहते थे इसको। कोई दानव कहता था तो कोई राक्षस कहता था। मैंने तय किया कि मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। बस मैं बानपुर में आके बस गया, वहां मुझे किले में नौकरी मिल गई। भानपुर में आने के बाद मैंने इसे लोगों की नजरों से छिपा के रखा, इसलिए इसे मैंने गुफा में रख दिया। मैं नहीं चाहता था कि दुनिया की नजर इस पर पड़े। जब कभी भी गुफा से बाहर आता था तो इसके पैरों के निशान बन जाते थे, जिसे मैं हमेशा मिटा दिया करता था। जज साहब, हमारे अलावा इसका यहां कोई नहीं है। उस दिन पुलिस स्टेशन में ये मुझे ही बचाने आया था। तुम यहां क्यों आए गए? जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बताया नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो जाओ, चले जाओ, छोड़ो छोड़ो भीमा, जाओ जाओ जाओ। क्या दिन आ गए हैं आपके पाठक सर। बैड डेज, आपके मुवक्किल को आप पे भरोसा नहीं है, आपसे झूठ बोलता है, आपसे बात छिपाता है। अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, जो करना है मैं करूंगा। यू लॉस्ट दिस केस, यू सी टू इट। आई सी टू इट कि बाप बेटे दोनों फांसी पे चढ़ जाएं। ये पैरों के निशान मेरे बेटे के, लेकिन इसने किसी का खून नहीं किया। सोचना भी मत। आई एम जयसवाल हमेशा बैकअप प्लान लेके चलता है, सबूत लेके चलता है, और ऑनर सबूत है मेरे पास। ये फूल, इस फूल की एक कहानी है, इतिहास है योर ऑनर। कुछ सालों पहले ऐसा ही एक किस्सा हुआ था भानपुर इलाके में। किसी को रहस्यमय संजोगों में जख्मी किया गया था और मौके वारदात पे ऐसा ही एक फूल पाया गया था। इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई, बॉटनिकल एक्सपर्ट्स का कहना है भानपुर के आसपास के इलाके में कहीं भी ऐसा फूल तो उगता ही नहीं है और उन्होंने माया ही नहीं जाता है, सिवाय कि एक जगह पे जहां से मुझे ये फूल मिला है, उस गुफा में योर ऑनर, जिस गुफा में भीमा रहता था। सॉरी, इन्होंने छिपा के रखा था भीमा को। जज साहब, इसने गुफा में एक फूलों का छोटा सा बगीचा बना रखा है। 21 सोमवार तक शिवजी के मंदिर में मैंने ही शिवलिंग पर इसे फूल चढ़ाने के लिए कहा था, ताकि इसकी बीमारी दूर हो जाए। ये उस रात ये फूल चढ़ाने ही गया था।
इस कत्ल से मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है? कितना झूठ बोलेंगे आप? शिव भगवान की पूजा याचना करते इतना झूठ बोलते शर्म नहीं आती? इंसान है या शैतान? ठीक, आपको अभी छिपानी है बात, सच बात नहीं कहनी है ना, कोई बात आप कहते रहिए, लेकिन मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मैं पाठक साहब नहीं हूं, आई एम जसवाल हूं। साबित करके रहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, मैं साबित करके रहूंगा कि इन दोनों का इस केस से, इस मर्डर से गहरा संबंध है। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए योर ऑनर, 10 मिनट्स प्लीज। इजाजत है। थैंक यू। पाठक साहब हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमने आपसे कई बातें छिपा कर रखी, हम लाचार थे पाठक साहब, पर हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें जरूर न्याय दिलवाएंगे। योर ऑनर, ये शीर्ष है उस हादसे का सेकंड विक्टिम, जिस रात रोहन का कत्ल हुआ उसे देखकर इसकी यह हालत हो गई है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये उस स्थिति में तो नहीं है कि यहाँ पे आके गवाही दे सके, लेकिन कुछ देखकर या किसी को देखकर हो सकता है कि कुछ हद तक हमारी मदद कर सके। और इफ यू लव। इजाजत है। शीर्ष, शीर्ष वहां देखो, क्या इनको पहचानते हो तुम? अरे नहीं, कुछ याद आ रहा है? जिस रात को रोहन का कत्ल हुआ उस रात को क्या ये दोनों वहां मौजूद थे? बताओ शीर्ष, कुछ कहना चाहते हो? शीर्ष, क्या इन दोनों ने मिलकर रोहन का कत्ल किया? क्या तुमने ये देखा था शीर्ष? शीर्ष, योर ऑनर, योर ऑनर, ये क्या हो रहा है? ऐसी ऐसी स्थिति में, इस बीमारी में किसी को अदालत में लाकर गवाही देना ये उचित नहीं है। सॉरी जज सर, इस हालत में भी शीर्ष को मुझे यहां अदालत में लाना पड़ा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि यहां पे कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि रोहन का कत्ल इन दोनों ने किया है। हर सबूत, हर गवाह, हर नजर इसी ओर इशारा कर रही है कि बाप बेटे खूनी है। इतना कुछ तो साबित कर दिया मैंने। अभी भी कुछ साबित नहीं किया आपने, कुछ साबित नहीं किया जायसवाल साहब। योर ऑनर, ये तथ्य केवल जायसवाल साहब ने अदालत में प्रस्तुत किए इनकी जांच करने के लिए, इसका दूसरा पहलू खोजने के लिए मैं अदालत के सामने समय की मांग रहा हूँ। क्यों चाहिए समय आपको? क्यों नहीं, सब कुछ तो साबित कर दिया, और कितना खींचना चाहते हैं? क्या क्या साबित किया? साबित किया कि मौका वारदात पे ये मौजूद था, पैरों के निशान इसके मोड में फिट होते हैं, तलवार उठा सकता है, शीर्ष ने यहाँ पे गवाही दी, बेचारा बोल नहीं सकता था तो अभी दोनों को देख के बौखला गया, डर गया। और क्या साबित करूं, इसने रोहन का खून किया और ये शातिर बाप है जिसने रोहन का खून बीमा से करवाया। रुको, अरे भूषण जी बोलिए ना। भीमा बेटा रुक जाओ बेटा, अरे मुझे मार डालेगा। भीमा शांत हो जा, तलवार में से। ऑर्डर ऑर्डर। भूषण जी, भीमा को बोलिए पुलिस वालों के साथ जाए। बेटा, भीमा बेटा पुलिस वालों के साथ जाओ।
शांत, उसकी बेड़ियां तो खोल दो। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ नहीं करेगा मुझे, खोल दीजिए जरा। सर मेरी बात मानिए। अरे मैंने कहा ना सावंत, तुम्हें डर लग रहा है तो चाबियां दो मुझे। सर दो चाबियां ये लीजिए। सर 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 आई श्योर आपको अंदर जाना है, जरूरी है उससे बात करना। Go back. Tawan, please go. Azira, go out. Ek bima. Main janta hu tum unse nahi maroge. Main ye bhi janta hu ki tumne us reporter ki hatya nahi ki. Tumhari sahayata karne aaya tha main. Bima, meri baat nahi suni to apne pitaji ka socho. Chodo mujhe. मैं समझता हूं कि बचपन से तुम पर क्या गुजरी होगी, ये भी समझता हूं कि यहां तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारे पिताजी को भी तकलीफ हो रही है। तुम्हें बचाने के लिए वो खुद सलाखों के पीछे बैठे हुए, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें, तुम्हारी ये परेशानियां बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तुम्हें भी यहां से बाहर निकलवाऊंगा और तुम्हारे पिताजी को भी। हाँ, बस तुम्हें थोड़ा शांत रहना होगा, विश्वास है ना मुझ पर? ताला खोल दूं। So are you okay? Yeah, I'm fine. Savant, zara Bima ke khane peene ka dhyan rakhna. Theek hai sir. Thank you. Come. Sir, humne aapse itna kuch chhipaya, phir bhi aapne hamara saath nahi chhoda. Hame maaf kar dijiyega sir. माफ तो मैं कर दूंगा भूषण जी आपको, किंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका केस आगे लड़ूं, आपको इस झंझट से निकालूं बाहर, तो जो भी है सच सच बताना होगा आपको मुझे। साहब मैं सब कुछ सच सच बताता हूं साहब। उस पत्रकार रोहन से मैं पहले भी मिल चुका था। उसको भनक लगी थी कि गुफा में कोई रहता है। वो समझता था कि वहां अश्वत्थामा है। उस रात वो गुफा के पास आया था लगभग 9 बजे। नहीं सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे यहाँ बहुत अच्छे क्लूज मिले हैं। इस बार आपको बहुत बढ़िया स्टोरी मिलेगी। नहीं नहीं सर, आप भरोसा रखिए, इस बार हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। हाँ सर, ठीक है। ओके ओके ओके। कहाँ जा रहे हो लड़के? अच्छा वहाँ मुझे एक इंसान मिल गया इस जंगल में। अरे मैं ना एक गुफा की तलाश में हूँ। मैंने सुना है वहाँ अश्वत्थामा रहता है। पागल हो गए हो क्या? यहाँ कोई अश्वत्थामा वश्वत्थामा नहीं रहता है। अरे तो किसी ने मजाक किया होगा तुमसे। अरे नहीं, मैंने सुना है यहाँ अश्वत्थामा रहता है। अरे हम सालों से यहाँ रहते हैं। अरे हमें पता है ना यहाँ कोई नहीं रहता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाके अपने दिल की तसल्ली कर लेता हूँ। ठीक है, काना क्या कोई नहीं रहता है? सीधे से जाओगे आप? ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों रहे हो? जा रहा हूँ मैं। मेरा बेटा हर सोमवार को शिव मंदिर में फूल चढ़ाने जाता था। उसे आधी रात को मैंने ही आने के लिए कहा था ताकि उसे कोई देख ना सके, पर पता नहीं साहब वो पत्रकार वहां कैसे पहुंच गया। शायद उसको किसी ने बताया होगा कि आधी रात को शिव मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं।
हर सोमवार की तरह मेरा बेटा भीमा शिव मंदिर में फूल चढ़ाने गया था और मैं भी ये देखने गया था कि सब ठीक ठाक तो है ना, पर मैंने अचानक देखा कि रोहन की लाश पड़ी हुई है और मेरा बेटा किले की पुश्तैनी तलवार को हाथ में लिए खड़ा हुआ। मैंने उसे मारते हुए नहीं देखा साहब, लेकिन मैं घबरा गया और घबरा कर मैं भीमा के पास गया और तलवार उससे छीन ली मैंने और उसे वहां से जाने के लिए कहा। मेरा बेटा भीमा शरीर और आकार से बहुत बड़ा है पर उसका दिल बच्चों जैसा मासूम है। मेरा बेटा बचपना तो कर सकता है साहब, पर किसी की हत्या नहीं कर सकता। उसे बचा ले जैसा अगर एक क्षण के लिए भूषण जी की बात को सच मान लिया जाए तो उसका ये अर्थ होता है अधीरा कि भूषण जी और उनके बेटे के वहां पहुंचने से पहले ही हत्या हो चुकी थी। एग्जैक्टली सर, इसका मतलब ये है कि उस किले में भूषण और भीमा के पहले कोई और भी था। ये बताओ अधीरा कि हत्या के बाद सबसे पहले पुलिस को फोन किसने किया था? सर आई फाउंड आउट सर, उसका नाम अजय दत्ता है। अजय दत्ता, ए सर इसका नाम ए से शुरू होने के अलावा देयर इज वन मोर थिंग वी शुड लुक इनटू। रियली, वो क्या? सर सो हुआ यूं कि आई वेंट इन दिस जंगल योर ऑनर, आई एम जयसवाल साहब ने पिछली सुनवाई में बड़े जोशो खरोश से ये प्रमाणित किया कि घटना स्थल पर घटना के समय भूषण जी और भीमा उपस्थित थे। इन्होंने ये भी अदालत को बताया कि हत्या करने का उद्देश्य इन दोनों के पास था, किंतु दुर्भाग्यवश योर ऑनर जयसवाल साहब अब तक अदालत में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं प्रस्तुत कर पाए हैं, कोई आई विटनेस नहीं ला पाए हैं जो ये कहे कि उसने दोनों को हत्या करते हुए देखा। सर आप ही से सीखा है मैंने कि केस जीतने के लिए सबूत या गवाह दो में से एक चीज का होना बहुत जरूरी है। सबूत तो मैं पेश कर चुका हूँ कितने सारे, और सवाल रहा गवाह का, तो गवाह कोई है ही नहीं, आई मीन कोई वहां पे था ही नहीं तो दिखेगा कैसे। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? सी क्लास। आपकी सोच भी ऐसी है। योर ऑनर जयसवाल साहब कह रहे हैं कि वहां कोई और था ही नहीं, तो फिर यह संभावना पैदा होती है कि हत्या होने के पश्चात भूषण जी और भीमा वहां पहुंचे थे जब लोगों ने इन्हें वहां देखा। इस समय पर योर ऑनर आपकी अनुमति से मैं एक ऐसे व्यक्ति को कटघरे में बुलाना चाहता हूं जिसने हत्या के पश्चात सर्वप्रथम पुलिस को फोन किया था, मिस्टर अजय दत्ता। इजाजत है? हाँ जी अजय जी, बताइए अदालत को उस रात क्या हुआ था। उस रात मैं किले के पास से गुजर रहा था। किले के पास से गुजर रहे थे आप, किले में नहीं थे? जी नहीं, मैं किले के पास से गुजर रहा था और तभी मेरी गाड़ी खराब हुई। तो मैकेनिक को नहीं बुलाया आपने? कार खराब हो गई। सर मुझे मैकेनिक को बुलाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं गाड़ी चेक कर ही रहा था, तभी मुझे किसी के बुरी तरीके से चीखने की आवाज सुनाई थी। मुझे लगा कि वो आवाज किले के अंदर से आई, इसलिए मैं भागते हुए किले के अंदर गया। मैंने वहां पे देखा कि वो कैमरामैन बहुत घबराया हुआ वहां पे खड़ा था, जैसे कि वो अपना आपा खो बैठा, और उस रिपोर्टर की लाश वहां पड़ी हुई थी। उस लाश के पास ये आदमी खड़ा था। भूषण जी लाश के पास खड़े थे? जी सर। आपने भूषण जी को मारते हुए नहीं देखा? नहीं सर। ये संभव है कि जिस प्रकार जो आप कह रहे हैं चीख सुनकर आप अंदर गए, क्या यह संभव है कि भूषण जी भी चीख सुनकर अंदर गए हों? इज इट अ पॉसिबिलिटी या नहीं? संभव है या नहीं? हाँ या ना? संभव है। संभव है। फिर क्या हुआ? सर फिर क्या, मैंने किसी भी जिम्मेदार नागरिक की तरह तुरंत पुलिस को कॉल कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी समझदार नागरिक यही करता जो आपने किया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप इतने समझदार हैं तो भानपुर जैसी जगह में आप इतना आलीशान होटल क्यों बना रहे हैं? मैं इस प्रश्न के उत्तर की आपसे अपेक्षा नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। योर ऑनर, जब मिस्टर अजय दत्ता को ये पता चला कि अश्वत्थामा की अफवाह के कारण
भानपुर किले में लोगों के आने की संख्या बढ़ रही है, उसी समय इन्होंने भानपुर किले के पास एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और उस पर एक होटल का निर्माण करना आरंभ किया, जिसका अर्थ ये होता है कि मंदिर के आचार्य जी की तरह इन्हें भी अश्वत्थामा की अफवाह से लाभ, और कहीं अगर वो अफवाह उड़ जाती, लोगों को पता चल जाता कि ये केवल एक अफवाह है, तो लोगों के आने की संख्या बंद हो जाती या कम हो जाती, आप जो इतना आलीशान होटल बना रहे थे उसमें घाटा हो जाता, आपको होटल खाली पड़ा रहता। यहाँ ये संभावना पैदा होती है अजय जी कि आपने उस पत्रकार की हत्या की हो ताकि इस अफवाह के बारे में वो कुछ ना कहे और फिर आप भयभीत हो गए हो और आपने स्वयं पुलिस को फोन किया हो ताकि आप संदेह के घेरे में ना आए। ये ऐसे इल्जाम मुझ पे आप नहीं लगा सकते, और मैं ही वो पहला शख्स था जिसने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया था। इल्जाम नहीं लगा रहा अजय जी, मैं केवल संभावना प्रकट कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता था, संभावना है। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो इस समय मैं आचार्य जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। क्षमा चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो दिया जलता है आपके मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने, तो वो कब तक जलता है, कितने घंटों तक? जी यही कोई 8 घंटे तक। 8 घंटों तक वो दिया जलता है, तो एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कृपया आप मुझे समझाइए। ये देखिए, हत्या के स्थल का चित्र जो सवेरे 6 बजे लिया गया था पुलिस द्वारा हत्या के पश्चात, ये दिया देख रहे हैं अभी भी जल रहा है। ऐसा कैसे हुआ कि 8 बजे आप प्रस्थान किए तो दिए को बुझ जाना चाहिए था 3:30-4 बजे के आसपास, लेकिन 6 बजे भी दिया जल रहा है क्यों? जी वकील साहब, क्या है ना कि सोमवार की रात शिव मंदिर में पूरी रात दिया जलता है, तो हम रात में एक बार मंदिर अवश्य जाते हैं दिए में घी भरने के लिए, और उस रात भी हम दिए में घी भरने के लिए गए थे। उस रात हम दिए में घी भरी रहे थे कि अचानक हमने किसी के आने की आहट सुनी, हम एकदम घबरा गए, कहीं अश्वत्थामा तो नहीं आ गया, अब बस हम वहां से यथाशीघ्र निकल गए। बस जिस रात को हत्या हुई उस रात आप मंदिर में थे? थे? जी जी। योर ऑनर, जिस रात को हत्या हुई उस रात आचार्य जी मंदिर में थे, जिस रात को हत्या हुई उस रात अजय दत्ता जी भी मंदिर में थे। योर ऑनर, मैंने प्रयास किया कि शीर्ष से पूछूं कि इस मुकदमे पर रोशनी डाले, अधिक तो कुछ नहीं बता पाए वो। उन्होंने ये संकेत दिया है कि हत्यारे का नाम ओ अक्षर से शुरू होता है। योर ऑनर, ओ अक्षर से अजय दत्ता जी का नाम भी शुरू होता है, ओ अक्षर से आचार्य जी को भी पुकारा जाता है। योर ऑनर, जिस शक के दायरे में मेरे मुवक्किल भूषण जी हैं, इनके सुपुत्र भीमा हैं, उसी संदेह के दायरे में अजय दत्ता जी और आचार्य जी भी हैं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, मैं अदालत से प्रार्थना करता हूं कि जब तक मेरे मुवक्किल भूषण जी और भीमा के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिल जाता, और जब तक अजय जी और आचार्य जी का नाम संदेह के घेरे से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक इस केस में कोई भी निर्णय स्थगित कर दिया जाए। यह अदालत डिफेंस की दलील से सहमत है, इस केस की बारीकी से जांच की जाए, तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। सर, ये रही वो फोन कॉल डिटेल्स जो आपने मांगी थी। योर ऑनर, कहते हैं कि अश्वत्थामा को अमर रहने का श्राप मिला था, इसीलिए वो इस धरती पे भटक रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पाठक साहब कि इस केस को भी आपका आशीर्वाद मिला है अमर रहने का। शांत हो जाइए,
मैं वचन देता हूं आपको कि सुनवाई में सत्य सामने आ जाएगा। आज योर ऑनर, एक ऐसा व्यक्ति जो रोहन के जीवन से जुड़ा हुआ रहा, उसके बहुत ही निकट रहा, रोहन जिस न्यूज चैनल के लिए कार्य करता था, उस चैनल के मुख्य संपादक मिस्टर विमल श्रॉफ को मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है? मिस्टर श्रॉफ, आप कह रहे थे कि आपको इंसाफ चाहिए। मैं वचन देता हूँ आपको कि आज आपको इंसाफ मिल जाएगा। श्रॉफ साहब, बताइएगा, मेरी जानकारी के अनुसार आपका चैनल जो था वो बहुत ही, मतलब जो कहते हैं, इन द डोल्ड्रम्स, कुछ हो नहीं रहा था आपके चैनल पर पिछले कुछ समय से। जितना खर्चा आपने किसी भी कहानी पर, किसी भी स्टोरी पर नहीं किया था, उससे अत्यधिक खर्चा आपने अश्वत्थामा वाली स्टोरी पे किया। Am I right? फाइनेंशियल उतार चढ़ाव तो चैनल में होते रहते हैं, लेकिन अच्छी स्टोरीज निकालने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। मुझे लगा ये स्टोरी इंटरेस्टिंग कैसे? मतलब पहले से आपको पता था कि आप रोनर शीश को भेजेंगे, अश्वत्थामा मिल जाएगा और स्टोरी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। देखिए, हमने सुना था कि बानपुर के उस मंदिर में अश्वत्थामा आता है। ऐसी स्टोरीज में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, इसीलिए मैंने रोहन और शीर्ष को उस स्टोरी को कवर करने के लिए भेजा। लेकिन इसमें कुछ गलत तो नहीं है? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कुछ गलत है, मैं तो कह रहा हूँ कि सही है। आज तक इतना सही आपके चैनल के लिए और कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ना, वहां किले में रोहन की हत्या हुई, यहाँ आपका चैनल जमीन से लेकर आसमान तक ऊंचाइयां छू। सुना है अश्वत्थामा अक्सर इस मंदिर में आया करते हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि आज तक अश्वत्थामा को जिसने भी देखा है, या तो वो पागल हो गया है या मर गया है। क्या मतलब? मतलब जिस दौड़ में आप थे ही नहीं गिनती में, रेटिंग्स की उस दौड़ में अब आपका चैनल नंबर 1 है। इतना ही नहीं श्रॉफ साहब, आपके विज्ञापन का मूल्य 10 गुना बढ़ा दिया और लोग खरीद रहे। और ये सूची है मेरे पास, इसका पूरा विवरण इसमें लिखा हुआ है। अजी, तो हुई नहीं है आपके फायदे की बात। देखिए, जब किसी खबर से लोग जुड़ते हैं तो चैनल्स के साथ ऐसा होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रोहन और शीर्ष के साथ जो कुछ भी हुआ उससे लोग जुड़ गए और इसीलिए हमारा चैनल देख रहे हैं। एक प्रश्न है मेरे मन में, एक मिनट दीजिएगा। ये आपके मोबाइल फोन की सूची निकाली है मैंने, ये रोहन के मोबाइल फोन की सूची, योर ऑनर, रोहन के दूसरे मोबाइल फोन की सूची, किसी और नंबर से ये संपर्क में रहते थे मिस्टर श्रॉफ के साथ। जो भी हो, ये एक मैसेज आया था जैसे ही रोहन की हत्या हुई, अश्वत्थामा हत। और मेरे अनुसार इसका अर्थ ये निकलता है कि रोहन की हत्या कर दी गई है। He is dead. He has been killed. क्या बकवास कर रहे हैं आप? अश्वत्थामा हथा, ऐसा मैसेज मुझे कोई क्यों करेगा? और अगर करता भी है तो इससे समझ क्या आता है? नहीं, समझ तो उन्हीं को आता है जो समझाने वाले होते हैं और जिन्हें समझाते हैं, तो कोड वर्ड्स में जो बात करते हैं तो दोनों समझ जाते हैं कि क्या कहा एक दूसरे को। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, मुझे किसी ने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया। एक काम करते हैं, आपकी उलझन सुलझा देते हैं। योर ऑनर, इस पे जो नंबर है, मैं इस पे फोन लगाना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो अपना फोन ऑन कर। अनुमति है, धन्यवाद। हाँ, लेट्स सी। योर ऑनर, जिस व्यक्ति का सेल फोन नंबर मैंने अभी डायल किया था, वो व्यक्ति शीर्ष है। ये नंबर शीर्ष का है योर ऑनर। जैसे कि मैंने पिछली सुनवाई में अदालत को बताया था, मैं स्वयं गया था शीर्ष के पास इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त करने। अधिक तो नहीं बता पाया, लेकिन इतना अवश्य बताया शीर्ष ने कि हत्यारे का नाम अ अक्षर से शुरू होता है, ए से। एग्जैक्टली जज साहब, मेरा नाम तो ऐसे शुरू नहीं होता। एग्जैक्टली मिस्टर विमल श्रॉफ। योर ऑनर, मैं अदालत को इस समय यह भी बताना चाहता हूं कि शीर्ष
अंग्रेजी भाषा में निपुण नहीं था, वो हमेशा शब्दों के स्पेलिंग्स में गलतियां किया करता था, जिस प्रकार से इस स्पेलिंग में की है। मिस्टर विमल श्रॉफ उनके चैनल के एडिटर हैं, इसलिए उन्होंने इनका नंबर अपने फोन में एडिटर कह के ही सेव किया था, किंतु यहां भी स्पेलिंग में वो गलती कर बैठे। EDITOR के बदले ADITOR। योर ऑन। हाँ तो ADITOR साहब, अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि इतना जो आपने कमाया रोहन की हत्या से, जेल में उसका क्या करेंगे आप? चलिए वो बाद में सोचेंगे, पहले कहानी तो बताइए। जज साहब प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जानता था कि शीर्ष एम्बिशियस है, इसीलिए मैंने रोहन के साथ उसे चुना इस स्टोरी के लिए। अश्वत्थामा पे स्टोरी? सर आप ये किस यूजलेस स्टोरी में पढ़ रहे हैं? आई मीन कोई अश्वत्थामा है कहां? देखिए सर, हमें वहां जाके कुछ मिलने वाला तो है नहीं। हम वहां जाएंगे, देखेंगे और फिर फाइनली यही बोलेंगे कि अश्वत्थामा एक मिथ है। सर ये भी कोई स्टोरी हुई? एग्जैक्टली, ये भी कोई खबर है, लेकिन हमारे देश में खबरें बड़ी आसानी से बन जाती हैं, उड़ती उड़ती बातें खबर बन जाती। जैसे कि लोग ये कहते हैं कि अश्वत्थामा को अगर कोई देख लेता है या तो मर जाता या पागल हो जाता है। स्टोरी तो तब बनेगी जब ऐसा कुछ हो। सर आप कह क्या रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में आ जाएगा। ये बताओ कि तुम मरना पसंद करोगे या पागल होना? सर ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। मैंने शीर्ष को प्रमोशन का लालच दिया और कहा कि वो रोहन का कत्ल कर दे और उसके बाद खुद पागल होने का नाटक करे, फिर कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाए और ये कहे कि उसे पिछला कुछ भी याद नहीं। बन जाएगी स्टोरी, अश्वत्थामा के हाथों एक रिपोर्टर मारा गया और एक पागल हो गया। शीर्ष मेरी बातों में आ गया और उस रात शीर्ष कैमरा सेट करने के बहाने से गया और किले के कमरे का ताला तोड़कर तलवार निकाली। फिर वो वापस आया और उसने रोहन के गले पे वार किया और उसे मार डाला। उसके बाद तलवार वहीं छोड़कर उसने मुझे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बाहर आया और उसने मुझे मैसेज किया। अश्वत्थामा था, लेकिन इसी बीच भीमा वहां आ गया था और उसने अपने भोलेपन में वो तलवार अपने हाथ में उठा ली। तभी भूषण भी वहां आ गया और जब उसने भीमा के हाथ में तलवार देखी और सामने लाश देखी तो उसने वो तलवार अपने हाथ में ले ली और भीमा को वहां से भेज दिया। इतनी देर में शीश भी वहां आ गया और उसने भूषण को देखा। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि कत्ल करने के बाद शीश चिल्लाएगा और पागल होने का नाटक करेगा, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने वहां भूषण को देखा, लेकिन फिर भी उसने ओरिजिनल प्लान के अनुसार ही चिल्लाने का नाटक किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो खुद फंस जाता। लेकिन मुझे इस बात का डर लगने लगा कि शीश कोई गलती न कर दे और उसके पागलपन के नाटक का राज दुनिया के सामने ना आ जाए, इसीलिए हॉस्पिटल में मैंने उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे उसके शरीर को लकवा मार गया। क्योंकि इसके बाद मुझे पता था वो चाहकर भी सच्चाई कभी बता नहीं पाएगा। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत संवाद चैनल के चीफ एडिटर विमल श्रॉफ और कैमरामैन शीर्ष को रोहन के कत्ल में दोषी पाते हुए उन पर कार्रवाई करने का हुक्म देती है और भूषण सिंह को निर्दोष पाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। अरे जसवंत साहब, मैं आपको एक
टिप्पणी देना चाह रहा था, अगर आपको बुरा ना लगे। अरे आप तो सीनियर है, बोली बोली। हाँ, ये जो आप कहते रहते हैं कि 10 मिनट में केस खत्म कर दूंगा, 10 मिनट में केस खत्म कर दूंगा, ऐसा होता क्यों नहीं है जानते हैं आप? क्यों? क्योंकि आपकी बैंकॉक वाली घड़ी अभी भी बैंकॉक टाइम पे होगी, इसे इंडिया टाइम पे कर दीजिए, हो सकता है समय बदलने से समय बदल जाए। क्यों? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।